हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होपफुल आप लोग बढ़िया हो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, जो लोग स्प्रॉकेट चेंज करते हैं भाई, मतलब कि टॉप स्पीड के लिए, तो उनके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि वीडियो होने वाली है गाइस। इसमें इसका डिसएडवांटेज गाइस, जो इसका डिसएडवांटेज है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेज है भाई और क्या क्या नहीं है और क्या क्या फ़ायदा है और कौन सा स्प्रॉकेट आपके लिए फाइनली फुल एंड फाइनल बेस्ट है गाइस। तो ये वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस, क्योंकि यार जब तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे मतलब कुछ कर पाओगे गाइस। और कुछ भी ज़रूरत है, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है भाई, तो मतलब कि मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और मतलब कि कोई भी ज़रूरत होगी गाइस तो मैं आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो गाइस, जब बात करते हैं कि मतलब कि कौन सा स्प्रॉकेट आप लोगों को यूज़ करना चाहिए गाइस, तो देखो 36 इंच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या गाइस? तो मैं सबको 36 इंच लगाने के लिए क्यों नहीं बोलता, आप लोगों को पता है क्यों नहीं बोलता? क्योंकि गाइस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज 36 इंच का ये है गाइस कि लोअर जो पावर होता है ना गाइस, जो घट जाता है। मतलब कि हम ठीक है, हम 9 टीथ कम कर रहे हैं यार, मतलब समझ रहे हो 9 टीथ, मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब 9 टीथ आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना होता है भाई। तो अगर 9 टीथ कम कर रहे हैं भाई हम, तो देखो कितनी पावर घटती है भाई। तो सबसे जो एक गियर, मतलब कि दो गियर में तो पावर ही नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में चाहो कि चला ले मैं मतलब कि 36 के साथ दो गियर में, तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड जिन लोग को भाई क्लच लेने की आदत नहीं है, मेरे जैसे बंदे नहीं है, मुझे तो भाई दो गियर में ही चलाने का मन रहता है ट्रैफिक में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है गाइस। और देखो 36 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी है और भाई देख सकते हो स्कॉर्पियो वाला क्या भाई भगाया है। तो 36 की मतलब की बात करें तो मैं मतलब 2-3 वीडियो डाल रखी है और सब कुछ बता रखा हूँ, लेकिन इस वीडियो में बताना जरूरी है क्योंकि यह सबसे मेजर इशू है गाइस कि जो एक होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि हम तीत कम करते हैं गाइस, तो हमारा जो RPM लोअर RPM होता है गाइस, जिस पे हमारी गाड़ी नॉकिंग की आवाज़ आती है, ठीक है, वो नॉकिंग की क्यों आ जाती है? क्योंकि न्यूटन मीटर का टॉर्क घटता है गाइस, ठीक है। एक नॉर्मल सा फिजिक्स है और फंडा है, मतलब ये सब जानते होंगे नॉर्मल बाइक्स लवर, जो बाइक मतलब कि बाइक लवर्स होंगे वो जानते होंगे। तो ये होता है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि 36 तीत क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं लगाना चाहिए? आपको फन टू राइड करना है, मतलब मेरे जो 2-3 वीडियो देखते हो आप, जैसे 150 भगाता हूँ, तो आपको वैसे करना है तो आप लगा सकते हो गाइस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप स्प्रॉकेट चेंज करो 39 थी, 41 थी या 36 थी, तो सबसे पहले आपका मेक श्योर करना कि आपकी गाड़ी की थर्ड सर्विस हो रखी हो। क्योंकि गाइस मुझे 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं जो पहले मतलब करवा लिए थे, तो उनका स्पीड नहीं बढ़ रहा था 113-14 से, तो थर्ड सर्विस के बाद बढ़ जाती है। तो कोई दो मतलब मिनिमम, मतलब बहुत कम यूजर्स को झेलने को मिला है, लेकिन थर्ड सर्विस के बाद उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये हो गया एक, आप लोग ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं कि 36 तीत के बारे में। तो 36 तीत में बहुत ज़्यादा लोअर RPM पे कम आप ट्रैफिक में चलोगे गाइस, तो आप अगर ट्रैफिक में तो सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या होगी? आपकी गाड़ी मतलब बंद हो जाएगी, ठीक है, नॉकिंग की आवाज़ आएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप क्रूज करना चाहते हो तो क्रूज तो आप इजी कर सकते हो लोअर RPM पे, लेकिन आप ट्रैफिक में नहीं चल सकते। और ट्रैफिक में हमें क्लच लेके चलना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा? जैसे कि देखो, अगर हम क्लच लेते हैं बाइक तो हमारा क्लच प्लेट फूकता है गाइस, और ये वीडियो डालने के पहले आएगी, या फिर मतलब क्लच प्लेट मेरा फूक चुका है गाइस, ठीक। तो क्लच प्लेट में कितना खर्चा आया वो मैं वीडियो डाल रखा हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। तो यही रहा गाइस कि आपका क्लच प्लेट फूकेगा। अगर आपको मतलब कि थोड़े अमीर बंदे हो भाई, आपको क्लच प्लेट से कोई लेना देना नहीं है भाई, चलो 3-4 हज़ार आप गाड़ी में यूँ खर्च कर सकते हो, तब आप डाल दो 36 इंच यार, मतलब रिस्क पे है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना कि रिस्क पे, क्लच प्लेट का थोड़ा सा मतलब कि मतलब क्लच प्लेट का नुकसान होगा ऑब्वियसली सी बात, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लच लेके भाई ट्रैफिक में मैनूवर करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा क्लच पे तो जोर पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डिसएडवांटेज 36 इंच का। और दूसरा कि आपकी मतलब कि इनिशियल पावर कम हो जाएगी, वो डिसएडवांटेज गाइस। तो दो डिसएडवांटेज बड़े हैं और एक फ़ायदा है कि टॉप स्पीड बढ़ेगी आप सबकी सेगमेंट में मतलब कि 155 सीसी वाले को भी भाई मतलब कि फेल नहीं दोगे भाई, लेकिन उसके बराबर में रहोगे और फेल भी सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। तो ये रहा मतलब कि 36 इंच का डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेज, एक इनिशियल डाउन, दूसरा क्लच प्लेट पे थोड़ा सा नुकसान, क्योंकि क्लच प्लेट आपका जानते हो क्या होता है, तो उसी की वजह से क्लच लेके चलोगे। तो अब बात करते हैं गाइस 39 तीत।
अब बात करते हैं 39th के बारे में। तो 39th क्या है? तो NS 200 का स्प्रॉकेट आता है 39th का। जिनके पास BS6 मतलब कि जो 2021 से 22 वाले मॉडल भाई, उनके लिए 39th किस में आता है? तो पल्सर 180 में आता है 4 होल के साथ 39th, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं। और BS7 वाले E20 वाले के लिए मतलब NS 200 का स्प्रॉकेट 39th प्लस 14th, और BS6 वाले के लिए मतलब BS6 वाले के लिए भाई वो है पल्सर 180 का। तो ये आप लोग ये ख्याल रखना, मैं बार बार सबको रिप्लाई करके बताता हूँ कि ये ख्याल रखना। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि 39th क्या है। तो 39th में गाइज हमारा मतलब इनिशियल पावर जो होता है वो मात्र की मात्र जो स्टॉक गाड़ी होती है उससे 5% डाउन होता है, ठीक। अगर आप लॉन्च करोगे ना तो आप थोड़ा सा स्टॉक गाड़ी है NS160 और इसमें थोड़ा सा पीछे रहोगे थोड़ा सा, और उसके बाद 80 के बाद आप निकल ही जाओगे। तो 39th में ये है गाइज कि आपको टॉप स्पीड मिलेगी 139, ठीक है, 139 आपको टॉप स्पीड मिलेगी इजी। तो 39th में 139 टॉप स्पीड मिलेगी, आपका इनिशियल भी अच्छा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मतलब कि वो माइनस है नोटिस है, बहुत माइनस है, ठीक है। और टॉप एंड भाई आपको मतलब कि 160 सीसी में जो ऑयल कूल्ड के आते हैं गाड़ियाँ, ठीक है, और 155 वालों के इसमें इंक्लूड मत करो क्योंकि उनकी प्राइस हाई है भाई, ठीक है। तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं भाई, जैसे देखो एक चल रहा है N160 और एक चल रहा है अपना पता नहीं कौन है, तो उनकी गाड़ियाँ हैं गाइस जो मतलब कि तो उनकी गाड़ियाँ प्राइस हाई है भाई, लिक्विड कूल बहुत सारे BBL लमड़ा लहसन सब कुछ है, ठीक है, तो उनको इस साइड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपाची 164B जो BS6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो BS6 वाली जो सारी गाड़ियाँ हैं गाइस उनकी आप सही में मतलब कि ले लोगे, कह के ले लोगे, ठीक है, 39th से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सूं से निकलोगे भाई उन्हें देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहला 39th का एडवांटेज, ठीक है। लेकिन 155 वाले से मतलब कि ठीक है डुअल लोडिंग में कर लोगे लेकिन सिंगल में नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब 39th का ये भी है गाइस एक अच्छा बात कि 39th में आप ट्रैफिक में भी दो गियर पे चलोगे तो आपको ज़्यादा क्लच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि आपको मतलब 10% क्लच यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, 10% मतलब कि जो 36th में अगर हमारा कितना परसेंट था, 36th में अगर हमारा था गाइस मतलब कि 100%, तो उसमें 10%, ठीक है, तो बहुत कम मतलब बहुत 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 कम। तो आपका क्लच प्लेट भी सुरक्षित रहेगा 39th के साथ, और आपका क्या बोलते हैं आपका टॉप स्पीड भी मिल जाएगी आपको जो आप चाहते हो। 139 कम नहीं होता भाई 160 सीसी ऑयल कूल के लिए भाई, ठीक है, तो ये मिल जाएगी आपको। तो ये तो आप देख लो, तो इसीलिए गाइस देख सकते हो, इसीलिए मतलब कि 39th मतलब कि बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस की 41th, तो 41th किन के लिए बेस्ट है? तो गाइस 41th हमारे को जैसे कि हमें पिकअप भी चाहिए और ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं चाहिए, हमें सिटी में ज़्यादा राइड करना है और वो 117 से ज़्यादा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गाइज उनके लिए 41th है। जो सिटी में सबसे ज़्यादा राइड करते हैं उनके लिए भाई 41th है, आराम से 41th लगाओ। RS200 का स्प्रॉकेट कैसे लगाना है मैं वीडियो डाल रखा है सबको, तो वो लगाओ गाइज और आराम से बूम मचा दो। आपका इनिशियल पावर भी भाई 1% डाउन, बस स्टॉक गाड़ी से 1%, वो भी आपको फर्क भी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड टॉप एंड भी 132 भाई बहुत होता है यार, अगर सिटी में चला रहे तो 132 पहुंचने में भाई मतलब कि, और भाई 132 यूँ पहुंचेगी ना भाई आप रॉकेट की तरह पहुंचेगी भाई। तो ये हो गया जो सिटी में चलाते हैं एंड उनको 117 से छुटकारा चाहिए और उनको एक पिकअप भी मतलब कि कुछ भी 5% भी नहीं डिक्रीज करना, तो उनके लिए 41th है गाइज, कोई पिकअप ड्रॉप नहीं होता क्योंकि 3 तीत कम कर रहे हैं, 4 तीत कम कर रहे हैं हम, तो 4 तीत में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रहा गाइज, ये रहा सबसे पहले बात कि 41th का, ठीक है, 41th का डिसएडवांटेज। इसमें क्लच का कोई आपको मतलब कि क्लच का मतलब कि जो 10% 39th में है ना, 10% नहीं 7%, तो वो भी है नहीं है भाई, ठीक है। तो 41th मतलब जिनको ट्रैफिक में चलाना है उनके लिए 41th है भाई, तो ये बता दिया। तो तीनों स्प्रॉकेट किन किन यूजर्स को लगाना चाहिए? 36th जो अपने उनके पास अंधा पैसा है भाई, जो गाड़ी में कुछ भी क्लच प्लेट फूंक सकता है तो भाई वो तुरंत रिप्लेस करवा सकते हैं, जैसे मेरे जैसे, मेरे पास तो है नहीं बट फिर भी मतलब गाड़ी से प्यार करता हूँ तो गाड़ी के लिए बचा लेता हूँ। तो ये हो गया गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं और 39th नॉर्मल यूजर जो जिनको भाई टॉप स्पीड चाहिए एंड मतलब कि उनको मतलब कि सबको पीछे छोड़ना है तो उनके लिए 39th, और 36th में सबको क्या सबको पीछे छोड़ देगा तो थोड़ा सा पिकअप डाउन होगा बस, और 39th में पिकअप भाई 5% का ड्रॉप है पिकअप का और बाकी भाई सब ठीक है। और 41th उनके लिए भाई जो कि भाई सिटी में पिकअप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और 117 नहीं जानी उनको 132 जानी, तो उनके लिए भाई है 41th, ठीक है। तो ये तीनों स्प्रॉकेट किन किन यूजर्स को लगाना चाहिए? और डिसएडवांटेज की बात करें, स्प्रॉकेट का डिसएडवांटेज
तो मैं मेनली देखाऊँ गाइस कि मेरा क्लच प्लेट कैसे फूका। मेरा 30,000 चल चुका है गाइस, ठीक है। अगर मैं लेट मी शो यू तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो 27,700 मतलब 28,000 चल चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 28,000 में क्लच फूकना कोई भी मतलब कि वो है नहीं, और मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए गाइस तो बनता ही था मेरे को, ठीक है। तो डेट्स वाई गाइस मेरा क्लच प्लेट फूका। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप 50,000 क्लच चलाना चाहते हो अपने क्लच प्लेट को, तो आप लोग गाइस ये मोड मतलब 36 मत लगाना। और आप चेंज करवाना चाहते हो, आपको कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, तो आप 36 लगा सकते हो, ठीक है। तो और 39 नॉर्मल यूजर्स मतलब हम जैसे, और मैं भी 39 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरी 6 सर्विस रन हो चुकी भाई, तो अब तो भाई मेरी 140 चली जाती है भाई। व्हील कवर हटा दिया तो भाई और स्पीड जाएगी, तो व्हील कवर के लिए 1-2 स्पीड मतलब कम रहती है। तो ये हो गया आपका 39 का। और 41 से तो भाई कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं। अगर बात करते हैं कि होल करवाना ये सब करके भाई वो करते हैं, तो भाई उसके लिए भी सोल्यूशन है। NS200 का हब एक्सल वगैरह सब फिट कर दो, आपको होल नहीं करवाना पड़ेगा। NS160 में इजी फिट हो जाएगा, वो भी Part 2 वीडियो आने वाली है गाइस, तो आप लोग टेंशन मत लेना, वो Part 2 वीडियो बहुत जल्दी आएगी। मैं थोड़ा पैसे का दिक्कत हो गया भाई, तो डेट्स वाई Part 2 की वीडियो नहीं आ रही है। अब मेरे पास जैसे ही पैसा आता है मैं बना दूंगा Part 2। तो गाइज मेरे पास जैसे ही पैसा आता है मैं Part 2 बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सल लेके बस मेरे पास हब तो है, अब एक्सल और बैलिंग लेके भाई NS200 का बना दूंगा। तो ये हो गया, ये हो गया गाइज। एंड पीछे से मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई पुलिस रहता है कि हेलमेट खुद लेके नहीं आया, मेरे को बोल रहा है, तो उसकी बात इग्नोर करते हैं गाइज। तो ये हो गया, अब बात करते हैं। तो ये एक ही डिसएडवांटेज है मतलब 36 का, मतलब कि स्प्रॉकेट का 39 में कोई ज़्यादा इनिशियल ड्रॉप नहीं है भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब 41 में है तो है ही नहीं, तो 5% और 1% कोई ज़्यादा मतलब कि आप इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो टॉप सेट के लिए। लेकिन 10% कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो बहुत कुछ क्लच प्लेट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, और फिर पिकअप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप तो 36 लगा सकते हो। और स्प्रॉकेट का यही डिसएडवांटेज है, और कुछ नहीं मतलब कि स्प्रॉकेट का नहीं, 36 का ये डिसएडवांटेज है क्लच प्लेट का, और बाकी कुछ नहीं गाइज। बाकी आपका गाड़ी टॉप नोच चलेगा सेगमेंट में, सबसे आगे मतलब NS160 को कोई बीट नहीं कर सकता भाई। ऐसा गाड़ी मैं बना दिया हूँ, NS160 BS7 E20 OBD2 सेंसर जो भी बोलते हैं यार, बट नॉर्मल शॉर्ट में BS7 बोलते हैं गाइज। तो ये हो गया एंड यही रहा आज का वीडियो गाइज। तो अगर जो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड स्प्रॉकेट को फिट करने के रिलेटेड एंड कुछ भी रिलेटेड, तो भाई मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं आराम से आप लोगों को रिप्लाई करूँगा एंड मतलब कि कर दूँगा। तो यही रहा वीडियो गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई को भाई 10K तक पहुँचा यार, 2K तो हो गई है भाई, अब 10K करना है, ठीक है गाइज। तो चलो करते हैं, बाय बाय, ख्याल रखना अपना।